नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। एलटी ग्रेड के लिए, जीएस के लिए ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है, लेकिन मॉडल पेपर नंबर 4 है। मॉडल पेपर में हम बिल्कुल उसी रूप में आपके सामने प्रश्नों को रखते हैं जिस रूप में आपको परीक्षा भवन में क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, यानी कि 30 सवाल होते हैं। सभी टॉपिक को हम कवर करते हैं और सभी टॉपिक पर आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने रखते हैं। और यहाँ पर हम बिल्कुल जैसे कि इसमें एग्जाम पैटर्न के अनुसार सही जवाब देने पर आपको एक अंक मिलता है, गलत जवाब देने पर एक तिहाई अंक काट लिए जाते हैं। बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करते हैं जिस रूल को जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुल आपको 30 सवाल मिलेंगे जो कि अलग अलग टॉपिक पर आधारित होंगे। वो सारे टॉपिक जो कि जीएस के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, वो यूपीपीएससी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और सभी जो सवाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सवाल कभी न कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जल्दी से इस वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का ऐसा लाल बटन दिखेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक ऐसा बेल बनेगा, इसको भी ऑन करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब चैनल को कर चुके हैं वो भी चेक कर लें कि उन्होंने बेल आइकन को ऑन किया है या नहीं किया है, और देन आफ्टर अगर ऑन नहीं है तो वो ऑन कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर पहला सवाल है, हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो आपको पहचाना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हो सकता है सही सुमेलित के लिए भी कहा जाए, तो नहीं शब्द को जल्दबाजी में छोड़िएगा मत, नहीं तो जवाब गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, ये देखिए विकल्प हैं, ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये जवाब आपका सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और उसके बाद बात करते हैं राखीगढ़ी की, राखीगढ़ी यहाँ पर दिया गया है राजस्थान, जो कि राजस्थान में ये नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, राखीगढ़ी जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। और कहाँ पर है ये राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो होता है ये हरियाणा में स्थित है। ओके, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, कभी कभी ये भी सवाल आता है, तो ये याद रखिएगा कि राखीगढ़ी की खोज की थी सूरजभान ने खुदाई करवाई थी राखीगढ़ी की। और एक लुप्त हो चुकी नदी सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, ये माना जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर राखीगढ़ी जो स्थित था, इसका क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर माना जाता है। लगभग इसका जो क्षेत्रफल था वो 240 हेक्टेयर के आसपास था। यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सैंधो लिपि में अंकित एक मुहर भी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टॉलमी फिलाडेल्फस, ये नाम आपने सुना होगा, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्र का शासक था ये। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अशोक के 13वें शिलालेख में उन 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे, यानी कि अशोक के जो धर्म प्रचारक थे वो 5 उन यवन राजाओं के दरबारों में गए थे, उनके देश में गए थे। तो अशोक ने उनके नाम जो है अपने 13वें शिलालेख में उत्कीर्ण करवा दिए थे। उनमें पहला नाम है एंटियोग यानी कि सीरियाई नरेश, दूसरा है तुर्मय मिस्री नरेश, तीसरा है एंटिकनी, ये मैसिडोनिया के राजा थे, मग एपिरस के राजा थे, और अलिक सुंदर ये सीरीन के राजा थे। एनीवे, इसके बारे में अधिक ज्ञान की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ये नाम काफ़ी आपने सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, बिम्बिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो था वो बिम्बिसार का राज वैद्य था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, जीवक का नाम अभी भी इतिहास में, सॉरी चिकित्सा क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है। नैनार कौन थे, ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव या डी सूर्योपासक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नैनार क्या थे, नैनार शैव थे। देखिए, उत्तरी भारत के साथ ही दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का व्यापक प्रचार हुआ था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार संतों द्वारा किया गया था। नैनार जो थे ये पल्लव वंश था, तो उस समय जो शैव, मतलब शैव का अर्थ होता है शिव जी से, तो जो शिव को मानते थे उनको, उसको कहा जाता था शैव धर्म। तो इसका जो प्रचार प्रसार था
वो नैनार संतों के द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या जो है वो लगभग 63 बताई जाती है, ठीक है, कितनी बताई जाती है, 63। विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है, विक्रम संवत और शक संवत? तो आपको पता होगा कि जो हिंदू पंचांग होता है उसमें आपने अगर गौर किया होगा तो विक्रम संवत लिखा रहता है और शक संवत भी कहीं कहीं पर उल्लेख में आता है। तो दोनों में अंतर क्या है, यानी कितने वर्षों का अंतर है? तो मैं आपको बता दूं कि जो विक्रम संवत है हिंदू पंचांग में, यह समय गणना में जो प्रयुक्त होता है विक्रम संवत, तो यह संवत जो है 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कब से? 57 ईसा पूर्व से ये जो है शुरू हुआ माना जाता है। और ये माना जाता है कि इसको शुरू करने के लिए भूमि वर्मा विक्रमादित्य, नाम याद रखिएगा, देखिए ये काफ़ी विवादित है, कुछ लोग कहते हैं कि भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन भूमि वर्मा विक्रमादित्य का जो उल्लेख है वो कहीं ज़्यादा जो है सटीक मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल में काफ़ी अंतर आ जाता है। और इतना फिक्स है, ये सही है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत की शुरुआत ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी, कनिष्क ने इसी दिन जो है अपना राजारोहण किया था, और यह शुरुआत जो हुई थी वो 78वीं ईस्वी से हुई थी। तो 78वीं ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब आप देख पा रहे होंगे, एक तो यहाँ पर 78 और 57 को अगर आप ऐड कर दें तो कुल यहाँ पे आता है 135 वर्ष, यानी कि विक्रम और शक संवत में कुल अंतर 135 वर्ष का देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ओके। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त करते हैं? पृथ्वी की जो आयु है, ए कार्बन डेटिंग, बी जर्मेनियम डेटिंग, सी यूरेनियम डेटिंग, और डी जो है कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग तीनों ही विधियों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? ए धारवाड़ तंत्र, बी गोंडवाना तंत्र, सी कुडप्पा तंत्र, डी विंध्य तंत्र, ठीक है। और यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र, ठीक है। गोंडवाना काल की चट्टानों में आधुनिक भारत की विशाल कोयला राशि जमा पाई जाती है। कोयले के क्षेत्र जो होते हैं वो रानीगंज, दामोदा और बाराकार उप समुदायों में पाए जाते हैं। इनमें कोयले की 6 मीटर से लेके 24 मीटर तक, यानी कि 6 से लेके 24 मीटर तक मोटी परत पाई जाती है। इन चट्टानों में 8 प्रमुख कोयला क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है कोयला निक्षेपों के लिए, ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे लंबी तटरेखा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक, ठीक है। तो भारत में जो कॉफ़ी का पौधा था ये 18वीं शताब्दी में, कब, 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। सन 1798 में तलचर, इसको तलचेरी भी कहते हैं, तलचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया, लेकिन 1830 में, ठीक है, इसे पैदा किया जाने लगा। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 2% जो है कॉफ़ी पैदा होती है, मतलब बहुत कम जो है प्रतिशत है। भारतवर्ष में कुल उत्पादन का 70% जो कहवा होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कर्नाटक से। कर्नाटक में कहवा के लगभग जो है 4600-4700 के आसपास जो है बागान है, ठीक है। एनीवे बस इतना ही पता होना चाहिए आपको कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो जवाब होगा इसका कर्नाटक। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 के द्वारा भारत में पंचायती राज की अनुशंसा हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 1958 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता समिति ने
ग्रामीण स्वशासन के त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंत राय समिति द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय योजना में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो होगी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद के बारे में बात किया गया था कि गठन का सुझाव दिया गया था। यानी कि सबसे पहले गांव के स्तर पर एक ग्राम पंचायत समिति होगी और उसके बाद फिर जो है पंचायत समिति होगी और उसके बाद जिला परिषद होगा। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं को तुरंत जो स्वीकार कर लिया जाता और स्वीकार किए जाने की आवश्यकता पर बल भी दिया गया था, तो इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया था। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और 1959 में राजस्थान में इसे लागू किया गया था सबसे पहली बार, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित आयु सीमा कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह राज्यसभा में अगर स्थान पाना चाहता है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, और अगर वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो एमपी बनना चाहता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, तो वो कम से कम 25 साल का हो और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। तो यानी कि बहुत सारी कंडीशन भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में कितने सदस्य? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक है। इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो तो उन्हें नियुक्त कर सकता है राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है। डूरंड लाइन, ये नाम आपने सुना होगा, डूरंड लाइन किसके जिसके साथ भारत सीमा रेखा निर्धारित करती थी? तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा या डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में, देखिए अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन बनाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक सीमा रेखा खींची गई है, उस सीमा रेखा का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता जब अगर होती है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ओके। आर्थिक नियोजन भारत की संविधान की किस सूची में है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारत का संविधान है उसमें जो 7वां भाग है उसमें 3 अनुसूचियां हैं, एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इसके बारे में हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियाँ विषम होती हैं तो जो केंद्र सरकार का कानून होता है वो सर्वोपरि होता है, मतलब वही लागू यहाँ पर होता है। तो आर्थिक नियोजन भारत की संविधान की किस सूची में है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो समवर्ती सूची है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल है, RBI ने किस बैंक को भारत में व्यवसाय करने के लिए परमिट जारी कर दिए हैं? और इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ चाइना को। अभी जल्दी आपने देखा होगा कि SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की एक बैठक हुई थी, तो उस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो चाइना के हैं दोनों के बीच में एक करार हुआ जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ चाइना अब भारत में भी अपना बिजनेस करेगी, ठीक है। तो और इसके लिए RBI ने परमिट जारी कर दिए हैं। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है और इसका आपको पता होना चाहिए। देखो बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और सही जवाब इसका होता है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। इस गैसी मिश्रण को कहते हैं बायोगैस, ठीक है।
और इसमें लगभग 65% ये होता है मेथेन CH4, इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4, और यह एक उत्तम गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? हीरा ये कार्बन होता है, ये सब सुमेलित है। संगमरमर ये कैल्शियम है, तो ये भी जो है सही है। रेत सिलिकॉन ये भी सही है। माणिक्य रूबी जो होता है, माणिक्य रूबी भी कहते हैं इसे। जिंक, देखिए जिंक नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा एल्यूमिनियम होगा, और इसको AL से जो डिनोट करते हैं आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी चीज़ें जो थी वो सुमेलित थी। माणिक्य रूबी जो होता है ये एल्यूमिनियम का जो है एक अंश होता है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। प्रोजेस्टेरॉन ये एक हार्मोन होता है जो कि महिला के गर्भाशय में बनता है, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरॉन ये भी एक हार्मोन है जो कि अंडाशय में बनता है पुरुष के, ये भी सही है। थायरॉक्सिन ये थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि निकलता है कहाँ से? अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप समिकाओं से निकलता है, लैंगरहैंस द्वीप समिकाओं से निकलता है, आमाशय से निकलता है। तो यहाँ पर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है अगर ये पूछा जाए तो आप बताइएगा कि अग्नाशय से निकलता है, और लैंगरहैंस द्वीप समूहकाएँ बोला जाता है, ठीक है, जहाँ से स्रावित होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन है और संबंधित रोग हैं। रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये सही है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन ई की कमी से नहीं होता, यह विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है ये सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और वेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न रसायनों में से किसका फल पक्कन यानी कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इथेफॉन जो होता है, ये जो है प्रयोग किया जाता है रसायनों को, इस रसायन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ओके, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, जैसा कि अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो नीचे दिया गया है कि कक्षा 10 तक का जो है स्तर तक का गणित और उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं गणित के, ठीक है। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में अंत में कौन सी संख्या आएगी? और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सीरीज दिया गया है 13, 23, 34, 46, 59 और 73, ठीक है। तो इसमें देखो एक जो है क्रम बन रहा है, वो क्रम कौन सा है ये आपको पहचान लेना है। अगर आप ध्यान से देखें तो 13 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 23 बनता है ना। अब इसमें जो है ये जो 23 में आप कितना जोड़ें, 23 में अगर आप 23, 10, 33 और ये हो गया आपका 11, यानी कि अगर आप इसमें 11 जोड़ दें तो 34 आपको मिल जाता है, ठीक है। 34 में अगर आप 12 जोड़ दें तो क्या बनता है? 46। फिर आप इसमें 13 जोड़ दें तो क्या बनता है आपका? 59 बनता है। फिर इसमें आप 14 जोड़ दें तो क्या बनेगा आपका? 73 बन जाएगा। और इसमें अगर आप 15 जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? 88, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज बनी हुई है, और सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर पर चलता है। अब वो चलता है क्या? 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया, ठीक है। चलो इधर ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे आया, 1 किलोमीटर दूरी वो तय किया। अब वहीं से 90 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़कर, अब देखो इसका मुख अगर इस डायरेक्शन में होगा तो उसका जो बायां होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो वो ऊपर की ओर घूमता है, 1 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है, इस दिशा में। अब आपको ये पता करना है कि उसका मुख किधर है, उसका मुख ऊपर की तरफ है, लेफ्ट राइट, अब आप समझ लीजिए उसके अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर वो चलता है, यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, और 1 किलोमीटर फिर वो चलता है। सवाल है कि अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रस्थान बिंदु ये रहा और ये यहाँ पे है, यानी कि ऊपर की दिशा में है, यानी कि ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ए बी से 5 वर्ष से छोटा है, ए जो है वो बी से 5 वर्ष से छोटा है,
बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आराम से आप सबसे पहले तो सी की एज हम वर्तमान आयु क्या है ये पता कर लेंगे। कह रहे हैं कि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, यानी कि वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो गई, वर्तमान में उसकी आयु हो गई 14 वर्ष। ठीक है, और कंडीशन कह रही है कि बी जो ये सी से 3 गुना बड़ा है, यानी कि बी की एज क्या होगी, ये 14 × 3 है, यानी कि जो बी की एज है वो कितनी हो गई, 42 वर्ष होगी वर्तमान में। और ए बी से 5 वर्ष से छोटा है तो ए की आयु क्या हो गई, 42 में से आप 5 को घटा दीजिए तो 37 वर्तमान में उसकी आयु हो गई। ए की आयु कितनी हो गई, 37 वर्ष हो गई। अब पूछ रहा है कि ए की आयु 6 वर्ष बाद, यानी कि 37 में अगर आप 6 को ऐड कर दें तो क्या उत्तर आएगा आपका, 43। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, 43 वर्ष होगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इन सवालों को ऐसे आप हल करते हैं। अब बाकी जो सवाल होंगे मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, और ये करंट अफेयर्स लगभग आप मान के चलिए कि अक्टूबर से लेके एग्ज़ाम डेट से 10-15 दिन पहले तक के पूछे जाते हैं, और ख़ास तौर से वो सभी जो कि बहुत ही चर्चित होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपको जो भी करंट अफेयर्स मिलेंगे वो संभावित हैं, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2018 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शीतकालीन ओलंपिक जो था ये हुआ कहाँ पे था और ये कब हुआ था, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रहे कि शीतकालीन जो ओलंपिक था ये कहाँ पे हुआ था, ये प्योंगचांग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्योंगचांग। देखो जो प्योंगचांग है ना ये एक शहर है, ये तो आपको पता है कहाँ पे है, ये दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का एक शहर है प्योंगचांग। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीता था नॉर्वे ने, पहले स्थान पर था नॉर्वे, और दूसरे स्थान पर था आपका जर्मनी, जर्मनी जो था ये दूसरे स्थान पर था, और तीसरे स्थान पे था कौन सा, कनाडा, कनाडा ये जो था ये तीसरे स्थान पे था, और अमेरिका जो था ये चौथे स्थान पे था। नॉर्वे ने कुल पदक जीते थे 39, कितने पदक जीते थे 39, और इन 39 पदकों में 14 जो था ये गोल्ड था, 14 जो था बाकी 14 सिल्वर, और 11 कांस यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था ये नॉर्वे ने, सबसे ज़्यादा जो नॉर्वे ने जीता था। फिर अमेरिका ने तो चौथा स्थान बनाया था, जर्मनी को कुल मिले थे 31 पदक, जर्मनी को कितने पदक मिले थे 31, और कनाडा को कुल पदों की संख्या मिली थी 29, और उसके बाद अमेरिका था। अमेरिका के बारे में आप बताइए कि कितना पदक मिला था। ई गवर्नेंस पर 21st राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी मुंबई, और इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है। भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, DARPG, ये शॉर्ट फॉर्म में इसे आप कह सकते हैं DARPG, इसे आप भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तेलंगाना सरकार तीनों ने मिलकर जो है 21st ई गवर्नेंस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पर, हैदराबाद में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी थीम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। थीम थी इसकी त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी, विकास के लिए प्रौद्योगिकी, तो ये आप याद रखना, नोट कर लेना इसे। ठीक है, त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी। आइए आगे बढ़ते हैं, ओडिशा सरकार ने किस मिष्ठान के अपने संस्करण के लिए GI टैग, GI क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक सूचकांक के रूप में एक टैग प्राप्त किया जाता है, और इसे इसलिए प्राप्त किया जाता है कि किसी स्थान विशेष के बारे में अगर कोई एक विशेष उत्पादन जो है मशहूर होता है तो उसके लिए GI टैग की मांग लोग करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हल्दी के लिए भी GI टैग मिला है, किस प्रदेश को मिला है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने किस मिष्ठान के अपने संस्करण के लिए GI टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, तो ये जवाब इसका होगा ऑप्शन सी रसगुल्ला, और इसका नाम क्या था, ओडिशारा रसगुल्ला। तो पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला भी जो है ये काफ़ी मशहूर था, तो
हालांकि इसको दो महीने पहले अप्रैल के महीने में जो था जीआई टैग मिल गया था, तो इसके बारे में ओडिशा सरकार ने अपना जो है मतलब कहा कि यार ये गलत हो गया, उन्होंने नाराज़गी जताई थी। और फिर उन्होंने अपने रसगुल्ले के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया है ओडिशारा रसगुल्ला यानी कि ओडिशा का रसगुल्ला, के लिए जीआई टैग की मांग उन्होंने की है, ठीक है, अभी इसको मिला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 फरवरी 2018 को दो दिन के रसोत्सव उत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया था, और सही जवाब इसका होगा मथुरा। तो इस बार जो होली थी, होली के उपलक्ष्य में ही इस रसोत्सव रस के उत्सव का उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे, मथुरा में, ठीक है। और ये जो था इसका उद्घाटन कब हुआ था, ये भी बताया ही आपको, 23 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था, दो दिन चला था ये उत्सव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन के रसोत्सव उत्सव का उद्घाटन किया था मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन किस प्रदेश में आयोजित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब होगा भारत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन भारत में किया गया था, और फ्रांस और केन्या के जो वरिष्ठ थे अधिकारी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत इंडोनेशिया के बीच फरवरी माह में दो सप्ताह तक एक सैन्य युद्धाभ्यास चला था, और सैन्य युद्धाभ्यास जो भी हुए थे उसके बारे में मैंने वीडियो अवेलेबल करवा दिया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा, और करंट अफेयर्स में मैं बार बार इसका जिक्र करता रहता हूँ। तो भारत इंडोनेशिया के बीच फरवरी माह में दो सप्ताह तक चले युद्ध सैन्याभ्यास का नाम क्या था, और इसका नाम था गरुण शक्ति। तो याद रखिएगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसको नाम दिया गया था गरुण शक्ति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपके बारे में मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट सैन्याभ्यास हैं उनके नाम और किन देशों के बीच ये हुआ, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप भूलते हैं कि किस महीने में हुआ तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सवाल कम ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 30 सवालों का एक मॉडल पेपर था, और उस पर आधारित एक मॉक टेस्ट था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब आगे के जो मॉक टेस्ट हैं वो कंटिन्यू आते रहेंगे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो को आप वॉच कर सकें और अपने स्कोर को आप और भी बेहतर कर सकें। लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए सबसे एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल लेके आ रहे हैं, और उन सभी प्रश्नों को आपसे परिचित जरूर करवा देंगे जो कि अति संभावित हैं। बाकी की स्टडी आप स्वयं करते रहिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ एक अच्छे जो है मार्गदर्शन के लिए और अच्छे स्कोर को प्राप्त करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।